नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा में उठा किसानों की मौत का मामला, कांग्रेस विधायक के सवाल पर सरकार का जवाब, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंदोलन के दौरान 68 किसानों की मौत हुई, सरकार ने यह जिक्र किया। हरियाणा की सीमाओं पर 68 किसानों की मौत, मरने वालों में 21 हरियाणा के, 47 पंजाब के, 51 लोगों की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है, 15 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है, 2 लोगों ने आत्महत्या की है। मृतकों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने का विचार भी नहीं है। और कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल पूछा था, तो ये बड़ी खबर, 51 लोगों की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है, 2 ने आत्महत्या की है, 15 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार हम आपको बता रहे हैं वित्तीय सहायता देने का विचार नहीं है, ऐसा भी लगातार जिक्र किया गया है। विधायक आफताब अहमद ने सवाल पूछा था, ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आखिर किस तरीके से विधानसभा में कार्यवाही चल रही है और इस विधानसभा की कार्यवाही में किसानों का मुद्दा उठा, किसानों के मौत का जो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है उसका मुद्दा उठा, 15 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है, 2 ने आत्महत्या की है। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दी कि 51 किसानों की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। तो विधानसभा में उठा है किसानों की मौत का मामला, कांग्रेस विधायक के सवाल पर सरकार का जवाब है। सरकार ने कहा है कि आंदोलन के दौरान 68 किसानों की मौत हुई, जिसमें से 51 की मौत हुई है स्वास्थ्य कमियों की वजह से। हरियाणा की सीमाओं पर 68 किसानों की मौत हुई है, मरने वालों में 21 हरियाणा के लोग हैं, ये भी हरियाणा सरकार ने जवाब दिया है। आपको यह भी जानकारी दी कांग्रेस के विधायक ने सवाल किया था,